गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास नाइन्थ। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है। क्या दी है हमें? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे ज़ीरो पुट कर दिया। मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम ज़ीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3xyz। ठीक है, ये आपने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने सोल्व किया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हमें इसमें क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? 3xyz का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं हम। हमें पता है आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने प्रूफ किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब हमारे पास में x के प्लेस पे क्या है? माइनस 12। y के प्लेस पे क्या है? 7। z के प्लेस पे 5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब तो माइनस 12 क्यूब प्लस y क्यूब तो 7 क्यूब प्लस z क्यूब तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। 3 के प्लेस पे 3 रहेगा, x के प्लेस पे माइनस 12 इंटू वाई के प्लस पे 7 इंटू जेड के प्लस पे 5। ठीक है, माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, 12 का 3 में मल्टीप्लाई 36, 7 का 5 में मल्टीप्लाई 35। ठीक है, 36 का हम 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1260। ठीक है, माइनस 1260 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है इसका 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब। आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। एक्स के प्लेस पे क्या है? 28। वाई के प्लेस पे माइनस 15। जेड के प्लेस पे माइनस 13। ठीक है, तो हम एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 28 का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब तो माइनस 15 का होल क्यूब प्लस जेड क्यूब तो माइनस 13 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, x के प्लेस पे 28, y के प्लेस पे माइनस 15, z के प्लेस पे माइनस 13। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 28 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 84 इंटू 15 इंटू 13, तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 16380। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट एंड सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.5 आपकी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 3 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।